अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। ऐसे हमारे तमाम व्यूवर्स जो पूरी दुनिया से हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट के लिए, सबको बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, मार्केट एक मरतबा फिर से बहुत जल्द क्रैश कर गई। ज़बरदस्त इम्प्रूव करती हुई मार्केट ने क्रैश लगा दिया है और आप में से कई दोस्तों की नहीं बल्कि सबकी इस वक्त एक ही तमन्ना होगी कि वो ये जाने कि मार्केट क्रैश क्यों की गई। तो दोस्तों, मार्केट में सिर्फ मैनिपुलेशन हुई है और कोई न्यूज़ ने अपना काम नहीं दिखाया और एक मतलब फिर से फ्यूचर ट्रेड करने वालों के साथ एक खेल खेला गया। और क्योंकि ये एक जाल होता है, इसमें फ्यूचर ट्रेड वालों को बकायदा फंसाया जाता है और फिर उनके अकाउंट को वॉश कर दिया जाता है। अगर आप कंपैरिजन करके देखें तो फ्यूचर ट्रेड वाला अगर एक दिन में $5,000 भी अर्न कर लेता है तो उसको उसकी सज़ा एक दफ़ा ज़रूर मिलती है जब अकाउंट वॉश कर दिए जाते हैं और अकाउंट में आपको $0 भी देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों, ये है वो खेल खिलाड़ी का जो आप नहीं समझ पाते। तो लिहाजा एक मैं तो फिर से बताता चलूँ कि सरमायाकारी में $50 बिलियन की बड़ी कमी हो चुकी है। BTC डोमिनेंस में कोई ख़ास फ़र्क देखने को नहीं मिला और अगर हम मार्केट का कंपेरिज़न करें तो इसमें अब तक तकरीबन 1600 से $1,650 की बड़ी कमी वाक़ हो चुकी है। और बड़ी कमी ये इसलिए यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि उसके बाद मार्केट ने रिकवर नहीं किया। अगर ये 1600 की जो कमी हुई इसे लो लगा करके मार्केट ऊपर आती दोबारा से तो मैं कहता कि ये क्रैश कोई इतना बड़ा क्रैश नहीं था, लेकिन उसके बाद मार्केट 45,649 पे जा कर के स्लो हो गई है और वहीं पे स्टे कर रही है। तो मेरे नज़दीक ये क्रैश एक वैल्यू रखता है। इथेरियम की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इथेरियम में भी $120 की अब तक कमी हो चुकी है सुबह की निस्बत। इसमें अगर हम सुबह की बात करें तो इथेरियम की मार्केट $3,406 पे खड़ी थी और अब यहाँ पर तो आपके सामने 3,287 पर आ चुकी है। और जिन कॉइन्स को दोस्तों इस मार्केट में भी फ़र्क नहीं पड़ा कोई ख़ासा, अब उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे कॉइन्स थे जिन्होंने आज कौन सा हाई लगाया और अब कितना हाई लगा सकते हैं नेक्स्ट 12 आवर में। तो क्योंकि मार्केट इस वक्त बहुत ख़तरनाक हो चुकी है, जब भी कभी मार्केट में अकाउंट वॉश होते हैं, फ्यूचर ट्रेड वालों को सबक सिखाया जाता है, तो उसके बाद फिर दोस्तों ट्रेड बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती है। BNB की बात करते हैं तो इसमें $20 की बड़ी कमी हुई है और मैं ये मानता हूँ कि BNB बहुत जल्द रिकवर करने वालों में से एक कॉइन है। और अगर इसकी हिस्ट्री हम उठाकर देखें तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो दूंगा ताकि आप BNB को हिस्ट्री से स्टडी करके इसमें ट्रेड लें तो ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सोलाना की बात करते हैं तो सोलाना जो सुबह 123 पे था अभी भी 123 पे है, लेकिन अगर हाई की बात करें तो आज सोलाना ने $129 का हाई लगाया और सुपर्बली वर्क किया। और अभी भी जब मार्केट कहीं पे स्टेबल हो जाती है तो उसके बाद आप सोलाना में ज़रूर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज आपको BTC के टारगेट को बड़ा कीनली वॉच करके ट्रेड लेनी होगी। XRP कार्डानो जो अपने पुराने सपोर्ट लेवल से निकल रहे थे और नए में एंटर हो रहे थे, लिहाजा मार्केट को देखते हुए वो और इस वक्त नीचे जा चुके हैं। इनके जितने भी होल्डर हमारे पास मौजूद हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसे होल्ड रखें और आप इसमें जल्द एक अच्छा बूम देखने को मिलेंगे। ये अच्छी बात है दोस्तों कि मेरे नज़दीक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि मार्केट 45,400-45,500 पे आकर के स्टे कर गई है। अगर ये यहाँ पर स्टे ना करती, बड़ा क्रैश कर जाती, तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट ट्रेडिंग वाले भी आज मुश्किल में पड़ सकते थे। तो दोस्तों, यही वो वजह होती है जिसकी वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि शॉर्ट ट्रेड लें, लेने के बाद वेट करें और कोशिश करें आपके मोबाइल में कॉइन कम USDT ज़्यादा हो। टेरा लूना की बात करते हैं दोस्तों, तो टेरा लूना जो सुबह $107 पर था, इसमें $4 की कमी हुई और इसी तरह एवेक्स में $5 और डोज और शिबा इनू, ज़ाहरी बात है ये जल्दी असर लेते हैं कॉइन्स, तो इनमें हमें मुसलसल कमी होती दिखाई दे रही है। लाइट कॉइन, कोस्मो, चेनलिंक, इनमें $1-1 की कमी हुई है। यूनिस्वैप ने बहुत बड़ा असर लिया है इस क्रैश का दोस्तों, यूनिस्वैप में 90 सेंट की कमी हो चुकी है जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी कमी है। यूनिस्वैप बहुत ही अच्छा बिहेव करते हुए टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा था।
अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कॉइन एक ही शर्त पे अपना सर उठा सकते हैं कि मार्केट सुबह ही $1,200 रिकवर कर ले, और अभी भी इसके चांस मौजूद हैं, वो हम आगे चल करके बात करेंगे। BCH जो 382 पे वर्क कर रहा था क्रैश कर गया, 366 तक गया दोस्तों, और अब BCH इस वक्त $12 इम्प्रूवमेंट कर चुका है। ये है एक स्टेबल कॉइन का चार्म कि वो जस्ट डाउन करता है और अपने सपोर्ट लेवल से बाउंसिंग बैक करके आपका सारा नुकसान पूरा कर देता है। ये चार्म है, इसीलिए दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ज़्यादातर स्टेबल कॉइन्स, ताकि आप नुकसान से दोचार ना हो। यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों ETC की, इसमें $3 की कमी हुई है, और इस मार्केट में असर लिया है एल्गो ने, इसके अंदर 6 सेंट की बड़ी कमी वाकई हो गई, जो आज के दिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन डाउनफॉल का शिकार हुआ, और अब 92 सेंट पे ही किस्म का वर्क करता दिखाई दे रहा है। वेव्स इस मार्केट में भी दोस्तों, मेरी प्रेडिक्शन थी कि यह आपको शाम की वीडियो में $58 पे मिलेगा, और जब मैंने आपसे डिस्कस किया तो वेव्स उस वक्त $51 पे था, और अभी भी मार्केट क्रैश के बाद भी आप इस वक्त वेव्स में प्लस में हैं। जल्दी से बढ़ते हैं अगले कॉइन्स की तरफ, तो दोस्तों सभी कॉइन्स इस वक्त खामोश हैं। रियूनी में 40 सेंट, थीटा में 14 सेंट इस तरह की कमी का सिलसिला है, और मोनीरो ने एक बहुत ही ज़्यादा असर लेते हुए $8 का लो लगा दिया। एक्सी इन्फिनिटी वर्किंग वेरी वेल, AP इस वक्त स्लो है दोस्तों, और तकरीबन जी कैश ने एक बड़ी लो ली है इस चीज़ से, और जी कैश जो 195 पे जा चुका था 179 पे आ चुका है, लेकिन होल्ड इट, आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की सोच इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप सेल करके फंस सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लो, पैनकेक स्वैप जो $9 क्रॉस कर चुका था, 9.10 सेंट से बकायदा डाउनफॉल का शिकार हो के 45 सेंट की कमी के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं ZIL की। ZIL कॉइन जो अच्छा खासा बूस्ट कर रहा था, उसमें भी हमें कमी को देखने को मिल रही है, और अब इसमें हमने कैसे एंट्री लेनी है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैं आप दोस्तों से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस मार्केट में अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप में किसी का भी इंशाल्लाह नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं आपको देता हूँ हमेशा शॉर्ट ट्रेड। और मार्केट में आज जब क्रैश आया तो तकरीबन पाकिस्तान के 7-7.5 के करीब, जिसके बारे में अक्सर मैं आपसे डिस्कस करता होता हूँ दोस्तों, कि मेरी वीडियो के 3 घंटे बाद आपने मार्केट ज़रूर देखनी है, तो वही हुआ, 3-3.5 की हमारी वीडियो की आज शेयरिंग थी और उसके बाद मार्केट क्रैश कर गई। STX की बात करते हैं तो इसमें 10 सेंट की कमी हुई है दोस्तों। उसके बाद सारे कॉइन एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं, सोलाना, एवेक्स, लूना, 3 कॉइन, और चौथा पाँचवा KSM, क्योंकि चौथा BCH था। KSM की यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे तो KSM 192 पे था, इतना बड़ा क्रैश हुआ, मार्केट ने माइनस सा रिकवर किया, और इस वक्त भी कुसामा में यानी कि KSM में $1 की कमी हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टेप इन की बात करते हैं, जो सुबह GMT $2.04 पे था, इस वक्त हमें 2.35 सेंट में देखने को मिल रहा है, और इसको लेकर के दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसी न्यूज़ मौजूद हैं जो मैं आपको सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह अपडेट दूंगा, और उसके बाद मैं नहीं समझता कि आप इस कॉइन को कभी अपने पोर्टफोलियो में रखने से बाज आएंगे। क्यों, किस लिए, सारी बातें मैं आपको सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह अपडेट दूंगा। डैश में $8 की कमी हुई है दोस्तों, होलो, मीना सभी इस वक्त डाउनफॉल का शिकार हैं। लास्ट की बात करते हैं दोस्तों तो KDA में भी इस वक्त हमें कमी देखने को मिल रही है। अब आपने नेक्स्ट 12 वार की ट्रेड कैसे और किन कॉइन्स में लेनी है, ये करते हैं बात BTC के कैंडल चार्ट को जाकर के देख के। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के बारे में और हमारे टारगेट के बारे में। तो दोस्तों हमारा टारगेट था आज 46,500, जो हमारा इमीडिएटली टारगेट था, और जो हमारा सेफ टारगेट था वो था 46,200 यानी कि 46,200 एंड 46,500। दोनों टारगेट हमने मार्केट के अकॉर्डिंग अचीव किए। जब पहला क्रैश हुआ वो $1,000 का था, उसके बाद मार्केट ने $700 रिकवर किया,
आपने अपना टारगेट अचीव किया, लेकिन जो नेक्स्ट क्रैश हुआ वो तकरीबन पाकिस्तान के 7:30 से 8 बजे के करीब हुआ। तो फर्स्ट क्रैश में अगर आपने वो टारगेट ले रखा था तो आपने डेफिनेटली अचीव किया, क्योंकि उस 1000 क्रैश के बाद मार्केट जो थी उसने एकदम से 900 रिकवर किया। लेकिन सेकंड क्रैश ने दोनों को मिलाकर एक अच्छा खासा मार्केट को धचका मारा, और लो हाई की बात करें तो वो कम्प्लीटली दोस्तों चेंज हो चुके हैं। मार्केट का सुबह तक का जो हाई था वो था 47,655 और जो लो था वो 46,913। अब जो लो है वो भी आपके सामने बढ़ चुका है और हाई वो कम हो चुका है। तो हाई है इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, उसमें सिर्फ $100 की कमी हुई है, क्योंकि मार्केट जो है 48,000 में उतनी देर तक खड़ी हो ही नहीं सकी जब उसने पीक पकड़ी जितनी देर तक हम चाहते थे। हमारे नज़दीक 48,500 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दोस्तों आपके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है वो खींच दी है, और मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट का अब जो क्रैश हो रहा है वो मुसलसल 45,646 से भी नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उसका शेडो बहुत कम है। यहाँ पर जो आपको बिरिश मारुबुजू कैंडल देखने को मिल रही है, और ये तकरीबन अगर इसका हम दूसरा रुख देखें, इसके शेडो को काउंट करें, तो ये मदर बिरिश कैंडल भी बन रही है। तो लिहाजा इसके शेडोज थोड़ी देर तक मज़ीद और क्लियर होंगे। यहाँ पर इसे हम फ़िलहाल कंसीडर कर लेते हैं मदर बिरिश कैंडल, तो ये बड़ी होती जा रही है, लेकिन अच्छी चीज़ विदाउट शेडो। अब 4 आवर की कैंडल चार्ट में दोस्तों हम यहाँ से आइडिया लेते हैं कि मार्केट में अब सपोर्ट इसकी क्या बन रही है। दोस्तों सपोर्ट इसकी 45,736 ही बन रही है। आप ये देखें यहाँ पर आकर के वो कैर जो चीज़ हमें इस वक्त BTC की फुल डे में दिखाई नहीं दे रही, वो 4 आवर कैंडल हमें बता रही है कि यहाँ पर मार्केट ने आकर इसको सपोर्ट दे दी है। सपोर्ट उठाना शुरू कर दिया है उसने, बाउंस हो रहा है। अब ये बाउंसिंग बैक कितनी देर तक होता है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी मार्केट में 1000 मोर के क्रैश होने के चांसेस पूरे मौजूद हैं। ऐसे में दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने ट्रेड लेते हुए इंतहाई एहतियात का सामना करना है। पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप एक वक्त के लिए ट्रेड नहीं लेंगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इधर रिस्क का एलिमेंट जो है वो बढ़ चुका है। एनीवे अच्छा साइन 4 आवर की कैंडल चार्ट में यही है कि अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, आपकी टाइमिंग हमारी वीडियो से मुनफरिद है, तो पाकिस्तान के 5 बजे के बाद जिधर भी आप इस वक्त बैठे वीडियो देख रहे हैं 3 घंटे बाद यानी कि आपने मार्केट देखनी है। अगर तो ये कैंडल वहाँ पर आपको बड़ी होती दिखाई देती है तो आप ईजीली मार्केट में ऑन द स्पॉट भी ट्रेड ले सकते हैं। देन अदरवाइज मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आपको मार्केट में अगर एंट्री लेनी है तो वो 45,000 आपका जो होगा वो सेफ टारगेट होगा। 45,000 में आप सेफ टारगेट ले सकते हैं, 45,300 जो होगा वो इमीडिएटली होगा। और क्योंकि अभी मार्केट जो है स्ट्रक है, तो आपने ये जो 3 घंटों का मैंने आपको टाइम दिया है इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में आपने चलना है। क्योंकि अगर मैं 5 बजे सुबह की वीडियो अपलोड करता हूँ तो ये इम्पॉसिबल सी बात है कि बहुत सी ऑडियंस हमारी वीडियो से आइडिया लेने से महरूम हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों आपने सिर्फ फ़िलहाल इस वक्त आपने ज़्यादा कॉइन चूज़ नहीं करने, सोलाना BCH ETC इन कॉइन्स को आप इग्नोर मत कीजिएगा। देन अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि आप किसी और कॉइन में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट की हालत अभी पतली है। इसलिए मैंने आज आपको 10 या 15 कॉइन बताने की बजाय सिर्फ 3 कॉइन में ट्रेड करने का बोला है, और BNB को आपने इथीरियम के कैंडल चार्ट को फॉलो करके बाय करना है। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो व्यूअर्स, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथीरियम। बात करते हैं हमारे टारगेट की। तो दोस्तों हमारा एक टारगेट जो फर्स्ट टाइम हमने आपसे शेयर किया था वो था 3320, और जो इमीडिएटली टारगेट था वो था 3350, और वो फर्स्ट क्रैश में हमने $55 की विड्थ के साथ अचीव कर लिया था। और सेकेंड अटैम्प्ट में अगर आपने उसे 7 बजे के बाद अप्लाई किया है तो यू आर डेफिनेटली स्ट्रक, और स्ट्रक भी आप कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ $28। लेकिन उसकी रिकवरी बेहद मुमकिन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक बार टारगेट अचीव होने के बाद, और जब मैंने अनाउंसमेंट भी दे दी बाकायदगी पे कि आपने अब मार्केट में एंट्री नहीं लेनी, तो एग्जैक्टली फर्स्ट क्रैश के बाद ये चीज़ मुमकिन हो चुकी थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि इथीरियम का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो क्या है। तो दोस्तों वो हमें पता चलेगा 4 आवर की कैंडल चार्ट में जाकर। यहाँ पर हम देख सकते हैं सिर्फ इसकी वो कैंडल जिसने मार्केट को क्रैश किया,
और वो अभी भी शेडो के साथ हमें दिखाई दे रही है और हमें साइन दे रही है कि मार्केट मजीद क्रैश कर सकती है $50 से $60 और। लेकिन 4 आवर की कैंडल चार्ट पे हमारा ये आइडिया अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों 3288 मतलब 3288 उसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, यहाँ से मार्केट वापसी ले रही है और यहाँ पर कोई इतनी मजबूत कैंडल नहीं बनी जिसके ऊपर हम जिसे हम अपनी बेस बनाकर अब टारगेट ले सकें, क्योंकि ये एक हैमर हेड है। ठीक है, चाहे इसका शेडो अपर साइड हो या डाउन साइड, तो हैमर हेड मार्केट की इस वक्त फिलहाल सपोर्ट बन रही है। तो हमारा टारगेट दोस्तों इसको देखते हुए, हैमर हेड को देखते हुए और मौजूदा प्राइस को देखते हुए, मैं समझता हूँ कि सेफ टारगेट होगा 3200 और इमीडिएटली टारगेट होगा 3240। इसके लगभग रह करके आपने जिस कॉइन में ट्रेड करनी है वो है GTC, ETC, ENS, इन तीन के कॉइन के अलावा आपने बिल्कुल किसी में ट्रेड नहीं करनी, और साथ BNB टॉप ऑफ द लिस्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके स्ट्रोंगर जोन की और जिस पे जाके इसे लाजम रजिस्ट करना चाहिए। मैं समझता हूँ इथेरियम की स्ट्रोंगर जोन अभी भी BTC के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी जोन में खड़ा है और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए वो 3250 तक भी मेरी समझ में आता है। लेकिन अगर ये 3250 के घर को तोड़ देता है तो फिर ये तेज़ी से क्रैश करेगा। और नेक्स्ट 12 आवर बहुत ही अहम है और कल जुमे का दिन है, कल के डाटा इसके ऊपर लाजम असरअंदाज होंगे और मैं समझता हूँ कि ये नेक्स्ट 12 आवर आप बहुत ही स्लो कैपिटल के साथ ट्रेड करें, लेकिन वॉचफुली। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ट्रेड लें और मोबाइल को आप साइड पर रख दें। और अगर आप लॉन्ग टर्म बाइंग करना चाहते हैं तो ये लॉन्ग टर्म बाइंग का तो बिल्कुल टाइम नहीं है, लिहाजा दोस्तों इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह तमाम गुफ्तगू और न्यूज़ के साथ हाज़िर होंगे आपके साथ दोपहर की वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।